आज हम चैप्टर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है तीसरा लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछली वीडियो में हमने जो है वो देखा था नंबर वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें ये था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यह था कि हम जो भी कंपाउंड लें, डिफरेंट मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स हम लेते हैं, अगर हम सैम्पल्स लें किसी भी एक कंपाउंड का या दूसरे जो है कंपाउंड का, लेकिन अगर उसका जो है कंपाउंड सेम है तो मुख्तलिफ सैम्पल्स लेते हैं हम तो, लेकिन उसका रेशियो जो है बाय मास वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें कहता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करें तो दो या दो से ज़्यादा जो है कंपाउंड्स वो बना लेता है। इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ द सेम मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। व्यूअर्स, ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो उसमें जो है दो से ज़्यादा जो है कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि किसी एक एलिमेंट का जो है मास होगा वो डिफरेंट होगा, वो ज्वाइंट होगा, दूसरे जो एलिमेंट होगा उसका मास जो है वो सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारे पास ए, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है बी। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी कि अब हम ये जब ज्वाइंट होगा, कंबाइंड होगा, तो ये जो इनकी फॉर्मेशन है इसका कंपाउंड बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, ए बी इसके साथ ए के दो एलिमेंट्स कंबाइंड हो सकते हैं, ये भी एक कंपाउंड बन गया, इसके साथ तीन ए के जो है एलिमेंट कंबाइंड होकर ये भी एक कंपाउंड बन गया, और इसके साथ चार ए कंबाइंड होकर ये भी एक कंपाउंड बन गया। मीन्स के ये जो है इसका जो मास है एलिमेंट बी का वो सेम है। बात हो रही थी यही कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका सेम मास रखना है, एक एलिमेंट का सेम मास है जबकि दूसरे एलिमेंट का जो है मास वो डिफरेंट है, यानी इधर हमने एक जो है वो अटैच किया है, यहाँ पर दो एटम्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, या तीन एटम्स अटैच हुए हैं, या चार। सो व्यूवर्स, यही बताना चाह रहे हैं इस लॉ में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो जो है वो दो से ज़्यादा, ये भी फॉर्मेशन हो रही है कंपाउंड की, ये भी फॉर्मेशन हो रही है, ये भी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि किसी एक का तो जो मास है वो सेम है लेकिन दूसरे का मास जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे इसमें ए हमने एक रखा है, इसमें दो रखे हैं, इसमें तीन रखे हैं। व्यूवर्स, हम इसमें जो है सिंपल होल रेशियो जो है वो नंबर लेते हैं, जैसे इसमें 1:1 आया है, इसमें 1:2 आया है, सिंपल होल नंबर का रेशियो हम जो है वो लेते हैं, 1:3 आया है, इसमें 1:4 आया है, यानी कि किसी एक एलिमेंट का तो मास जो है वो सेम है रेशियो में, लेकिन दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन अगर जो है कार्बन जो है अगर कम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। कार्बन और ऑक्सीजन के अगर जो है रिएक्शन होगा तो वो कार्बन कम ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। कार्बन अगर 1 ऑक्सीजन के एटम से जो है रिएक्ट करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, जिसमें 12 ग्राम जो है वो कार्बन होगी और 16 ग्राम जो है वो
ऑक्सीजन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड में, लेकिन सेम यही कंपाउंड है देखें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एलिमेंट सेम है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या है कार्बन तो वही फिक्स रेशो है लेकिन ऑक्सीजन जो है इसमें ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो व्यूअर्स, इसमें कार्बन जो है 12 ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इसमें 16 के बजाय 32 ग्राम होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इसमें जो है रेशो चेंज हो रहा है, लेकिन कंपाउंड चेंज हो रहा है लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, इसमें एलिमेंट्स की कोई चेंजिंग नहीं है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, इसमें भी कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, लेकिन चेंजिंग क्या आई है इसकी रेशो की कि कार्बन का जो है इसमें वन एलिमेंट यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन का भी वन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में वन एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है वो टू है। सो व्यूअर्स, ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही बताता है कि जो है डिफरेंट मासेस के साथ ऑक्सीजन का फिक्स मास है लेकिन कार्बन का जो है फिक्स मास है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट कर रही है। सो ये हमारा जो है कार्बन जो है मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड इस तरह से बना लेती है और ये हमारा कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उम्मीद है व्यूअर्स ये वाला लॉ भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम ये देखते हैं कि कोई भी हम मुख्तलिफ जो है वो तीन एलिमेंट्स हम लेते हैं उनमें से उन तीन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का जो रेशियो है बाय मास वो फिक्स होगा, बाकी दो का एक्सचेंज होगा और यही लॉ जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। हम जो है कोई भी दो एलिमेंट्स तीन एलिमेंट्स लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखें व्यूअर्स, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर एक कंपाउंड बना लेता है मीथेन, मीथेन गैस। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है मीथेन। सेम यही अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होकर एक जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं वाटर। मीथेन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन का इसमें हमारे पास जो है वो है 12 ग्राम है और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो मीथेन में हमारे पास 4 जो है इसके यूनिट हैं। सो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो हमारे पास इसका जो है मास आएगा 4। 12:4 के थ्रू जो है मीथेन गैस कंपाउंड बन रही है। अगर हम इसका सिंपल रेशो निकालते हैं 4 के टेबल से ही, मतलब करते हैं 4 1 4 4 3 12, 3:1 के थ्रू जो है ये कंपाउंड बन रहा है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। व्यूअर्स, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो मौजूद है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो मौजूद है ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। सो बात करते हैं इस फॉर्मूले की, वाटर बना रहा है तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास ग्राम में वेट आएगा वो आएगा 2 और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 1 है सो इसका जो ग्राम में वेट आएगा वो 16। इसका अगर हम सिंपल रेशियो निकालते हैं तो 2 1 2 2 के टेबल से ही देखते हैं और 2 8 16, सिंपल रेशियो इसका 1/8 आया है। व्यूअर्स, ये तो बात हो रही थी कार्बन और हाइड्रोजन की, इसने मिक्स होकर मीथेन बनाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया है, ये रेशियो हमारे पास आया है। अगर हम बात करते हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की, ये तीसरा जो है कंपाउंड भी बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि कार्बन हमारे पास जो है वो मौजूद है फॉर एग्जांपल 3 ग्राम, यहाँ पर रेशो क्या आया था सिंपल रेशो इसका 3 ग्राम और हाइड्रोजन का सिंपल रेशो क्या आया था 1 ग्राम, हाइड्रोजन का सिंपल रेशो आया था 1 ग्राम। सो यही हम जो है वाटर में देखेंगे, 1 जो है सिंपल रेशो आया था किसका, हाइड्रोजन का, और 8 सिंपल रेशो आया था ऑक्सीजन का। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है आया है। अब हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो क्या निकलता है। देखिए यही सेम निकलेगा, बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का हमारे पास जो है वेट है 12 और ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो इसके 2 मोल्स हैं हमारे पास 32, 16 × 2 = 32। सो हम इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं 4 के टेबल से ही इसको देखते हैं, 4 3 = 12, 4 8 = 32। व्यूअर्स, आपको ये रेशियो समझ में आया 3 और 8। लिया हमने मीथेन के लिए था 3 ग्राम, हमारे पास सिंपल रेशो आया था मीथेन के लिए, 1 रेशो आया था हमारे लिए हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह से हमने बात की थी वाटर की, तो सिंपल रेशो 1 इसका यहाँ पर हाइड्रोजन का फिक्स रेशो है और ऑक्सीजन का जो है वो चेंज आया है 8 रेशो है। सो
कार्बन और ऑक्सीजन भी इसी फिक्स रेशियो में आए हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल यानी एक्सचेंज हो रहे हैं, दो एलिमेंट जो एक्सचेंज हो रहे हैं, बाकी एक एलिमेंट का जो रेशियो है वो सेम रहा है, यानी इसके साथ भी यही रहा है वन और इसके साथ भी यही रहा है वन, सिंपल रेशियो। लेकिन जो दो हैं बाकी एलिमेंट्स, उनका रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही बात बता रहा है कि अगर हम वैन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। देखें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो अपने अलग अलग जो है तौर पर कंबाइंड हो रहे हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन जो थर्ड एलिमेंट है जिसका मास जो है वो फिक्स्ड है, तो जो प्रोपोर्शन है, द प्रोपोर्शंस इन विच दे कंबाइन वन एंड अदर शैल बी एदर इन द सेम रेशो और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। देखें, इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं। जब दो एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, ये कार्बन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ एलिमेंट्स से कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड मास जो है था एलिमेंट है इसका फिक्स मास से जो है वो कंबाइंड हो रहे हैं, वन अनदर शेल बी आदर प्रोपोर्शन इन विच कंबाइंड इन द सेम रेशियो, यानी कि सेम रेशियो का हमने बात की थी कार्बन की, कार्बन हमारे पास 12 ग्राम था, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 4 ग्राम था, हमने इसका सिंपल रेशियो जब निकाला तो ये 3 और 4 आया, हमने यहाँ लिख दिया 3 ग्राम एंड यहाँ जो है हाइड्रोजन का आया 1 ग्राम। फ्रेंड्स, हमने जब इन दोनों की बात की, ये दोनों जब हमारे पास ज्वाइंट हुए तो इनका रेशियो 2/16 था, फिर हमने जो सिंपल रेशियो निकाला इसका 1/8 आया, सो 1 तो वो सेम रहा है लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो 8 आया है। अब हम बात करते हैं ये जो थर्ड कंपाउंड हमारे पास बना है इसका सिंपल रेशियो भी इनके बराबर ही आया है, ना हमने इसमें कोई चेंजिंग की है। देखिए, इसका सिंपल रेशियो आया है हमारे पास 3 और इसका सिंपल रेशियो आया है 8, जबकि ये हम इसके लिए निकाला था और ये हमने इसके लिए निकाला था मीथेन के लिए, लेकिन जब हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसका सिंपल रेशियो भी सेम ही आया है सिंपल मल्टीपल के थ्रू। इसका भी सिंपल मल्टीपल निकाला है, इसका भी सिंपल मल्टीपल निकाला है, इसका भी सिंपल मल्टीपल निकाला है। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही बात बता रहा है कि जब तीन मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हम अगर कंबाइन करेंगे तो उनमें से एक एलिमेंट का रेशियो बाय मास फिक्स होगा, बाकी दोनों का एक्सचेंज होगा, तब्दील होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन के थ्रू हम देखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो कंपाउंड बनेगा वो भी सेम ही आएगा। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, दो मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स, तीन मुख्तलिफ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फ़र। व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से ऑक्सीजन सल्फ़र रिएक्ट होकर बना रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की। कार्बन का है 12 एंड ऑक्सीजन का है 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 16 टू ज़ा 32। अब हम इसके सिंपल रेशियो निकालते हैं, वही टेबल पढ़ते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32। सो अब हम बात करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास जो है वो सल्फ़र का एटॉमिक वेट है 32 है, ऑक्सीजन का है 16, 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास ये 2 मोल्स हैं तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास 32, 16 टू ज़ा 32। फ्रेंड्स, व्यूअर्स, इसका जो रेशियो है वो हमारे पास सेम आया है 8:8, क्योंकि ये एक ही टेबल से जा रहा है 4 के टेबल से, और अगर हम मज़ीद करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, सॉरी 2 आएगा 4। अब हम बात करते हैं ये इस थर्ड बनने वाले कंपाउंड की। यहाँ पर हमारे पास इसका सिंपल रेशो आया कार्बन का 12, यहाँ पर इसका जो है रेशो हमारे पास आया है
टू है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन के टू मोल्स के साथ हो रहा है, टू ग्राम टू मल्टीप्लाई बाय 16। इसी तरह से सल्फ़र का जो हम बात करेंगे तो ये वन हमारे पास जो है मौजूद है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, वन जो है इसलिए 32 ग्राम आएगा। कार्बन का भी एक है इसलिए 12 ग्राम आएगा। व्यूअर्स अब हम ये देखते हैं कि कार्बन और सल्फ़र मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन और सल्फ़र आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन का हम एटॉमिक वेट देखते हैं 12, सल्फ़र का हमारे पास जो है एटॉमिक वेट था 32। 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि ये हमारे पास 2 है, 32 मल्टीप्लाई बाय 64। अगर हम इसके सिंपल रेशो की बात करते हैं तो व्यूअर्स 4 के टेबल से ही देखते हैं, 4 थ्री ज़ा 12 एंड 4 16 ज़ा 64। तो व्यूअर्स हमारे पास जो थर्ड कंपाउंड बना है इसका रेशो भी हमारे पास इसके सिंपल रेशो के थ्रू आया है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ वे में कम्बाइंड होंगे तीसरे एलिमेंट्स के फिक्स रेशो के साथ। देखें ऑक्सीजन हमारे पास जो है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये फिक्स रेशो है इसका कि ये 2 ऑक्सीजन के साथ ही कम्बाइंड हो रहा है, इसका कोई चेंजिंग नहीं आ रही। यहाँ पर भी 8 है इसका सिंपल रेशो, यहाँ पर भी 8 है सिंपल रेशो, जबकि कार्बन जो है वो चेंज है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 12 ग्राम है, 3 ग्राम है बाय सिंपल रेशो, और 32 ग्राम है सल्फ़र, और सिंपल रेशो हमारे पास इसका 8 ग्राम है। ठीक है, अब कार्बन सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसका रेशो भी जो है वो सेम आएगा। उम्मीद है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आया होगा। जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स तीसरे एलिमेंट्स से जो है ज्वाइंट होते हैं, लेकिन तीसरे एलिमेंट्स का मास जो है बाय प्रोपोर्शन सेम होता है, जबकि दो एलिमेंट्स से उनका मास जो है वो चेंज होता है, लेकिन इनका जब रेशो निकालते हैं हम सिंपल रेशो निकालते हैं तो वो सबका जो है वो सेम ही आ रहा होता है। इन दोनों का हमने निकाला था तो तीसरे का खुद ब खुद जो है सिंपल रेशो सेम आ रहा था। उम्मीद है व्यूअर्स के लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। Okay, Allah Hafiz.